पर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। आज पूरी देश इससे चिंतित है और दुखी है, और खास करके मनरेगा जो हमारी सोनिया गांधी की जी ने उनका सपना था, और वो जो गरीब को जो 365 दिन सोचने के लिए जो रोजगार की लय है, अगर उसके अंदर कोई भी योजना के अंदर चाहे पैसे खाता है, चाहे प्रतिनिधि है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट है, कोई भी है, तो बड़ा अफसोस है और उसके तक कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो उसमें अगर वक्तव्य है, चाहे कलेक्टर है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे कोई मैं आपको मेरा विचार था वो जनप्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि हो चाहे सरपंच है, चाहे पटना प्रतिनिधि या जिला प्रतिनिधि सदस्य है, चाहे प्रधान है, चाहे प्रमुख है, चाहे विधायक है, चाहे सांसद है, उसके ये लोग भी दूध के धुले हुए नहीं है। ये मेरे तजुर्बे से बता रहा हूं, और जो मैं मेरी बात की मेरे विधानसभा क्राइसिस के अंदर 8 पंचायतें हैं, उस पंचायत के अंदर कुछ पंचायत जिसे मैं नाम भी दिया था, उस पंचायत के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसकी जांच होनी जांच में कई बार सब कोशिश की, और उसके अंदर कुछ बड़े जनप्रतिनिधि नाम नहीं बताऊं वो उसको मदद कर रहे हैं, मुझे वापिस लड़ना है, वो भी मेरा वोटर है। आज मैंने देखा है कि कोई जनप्रतिनिधि अगर मनरेगा के अंदर पैसे खाता है और वो जनप्रतिनिधि अगर खड़ा रहता है तो उनकी वोट बैंक बनती है, वोट बैंक भी बनती है कि गरीब पैसे खाता है कितना खाता है, कि गरीबों में गरीब जो आकर के फावड़ा उठाता है, जमीन खोदता है, वो जो 100 रुपये के लिए सुबह से पसीना बहता है, उसका अगर हिस्सा कोई खाता है तो हराम है।